हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 का नया मॉडल, जो अभी दो दिन पहले लॉन्च हुई है। और साथ ही साथ मैं इसका अपडेट भी बता दूंगा कि इस बाइक में आपको क्या क्या नए फीचर मिल रहे हैं और क्या क्या नए इसमें अपडेट आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लुक्स की बात कर ले तो ये प्रीवियस मॉडल से डिफरेंट लुक में आई है। ये हेडलाइट से लेकर बैक लाइट और सीट से लेकर टैंक कॉन की और मीटर कंसोल और सभी इसमें अपग्रेड हुए हैं नए मॉडल में। और इंजन भी काफ़ी पहले से रिफाइंड इंजन किया गया है। और इसमें आपको 5 वेरिएंट्स मिल जाएंगे रेडिट, सिंगल एबीएस, हेलिकॉन ड्यूल एबीएस मिल जाएंगे, क्लासिक सिग्नल्स मिल जाएंगे और क्लासिक डार्क ड्यूल चैनल एबीएस मिल जाएंगे और क्रोम वेरिएंट्स मिल जाएंगे। ये 5 वेरिएंट्स अभी नए वाले क्लासिक में अवेलेबल हैं। और कलर की बात की जाए तो ये लगभग 11 कलर में अभी मार्केट में अवेलेबल है। 5 वेरिएंट्स में 11 कलर में अभी ये अवेलेबल है। ये जिसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ वो हेलिकॉन ब्लैक कलर है मरून स्ट्रिप के साथ। और इसमें पहले राइट साइड में इसका दिया रहता था चैन ड्राइव, लेकिन अभी ये नया मॉडल में लेफ्ट साइड में दिया गया है और राइट साइड में ब्रेक सिस्टम कर दिया गया है। फ्रंट और रियर दोनों राइट साइड में इसका ब्रेकिंग सिस्टम कर दिया गया है। इसमें आपको सिंगल सिलेंडर 349 सीसी का इंजन मिल जाता है, एयर कूल्ड ऑयल कूल्ड के साथ फ्यूल इंजेक्शन इंजन, जो 20.2 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है 6100 rpm पे और 27 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है 4000 rpm में। और इसमें आपको क्रोम फिनिश का एग्जॉस्ट पाइप मिल जाता है। और इसमें आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा चैन ड्राइव के साथ, वेट मल्टीप्लेट क्लच इसमें यूज होता है। ये देखिए दोस्तों, लेफ्ट साइड में अभी नए वाले मॉडल में चैन ड्राइव दिया गया है। और इंजन का भी रिफाइंड किया गया है पहले से बहुत, और परफॉर्मेंस भी पहले वाले से बेटर है इसका इंजन का परफॉर्मेंस। फ्रंट में आपको 300 mm का ड्यूल चैनल एबीएस मिल जाता है। इसमें 19 इंच स्पोक व्हील के साथ 100 नंबर का टायर फ्रंट में डाला हुआ है, टेलीस्पोकिक सस्पेंशन, 41 mm फोर्क सस्पेंशन फ्रंट में आपको मिल जाता है। और रियर में 270 mm का सिंगल डिस्क ब्रेक मिलेगा 18 इंच स्पोक व्हील के साथ, 120 नंबर का टायर डाला हुआ है, दोनों ही ट्यूब टायर है, इसमें ट्यूबलेस का कोई ऑप्शन नहीं है। बाइबर का कैलिपर मिलेगा फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक में। और इसकी सस्पेंशन की बात की जाए पीछे वाली तो इसमें ट्विन ट्यूब इमल्सन शॉक एब्जॉर्बर लगा हुआ है 6 स्टेप एडजस्टेबल के साथ। और रियर में यहाँ पे आपको रॉयल इनफील्ड का लोगो मिल जाएगा पीछे वाले, ये देखिए दोस्तों सीट पीछे वाला, और दोनों सीट कंफर्टेबल है, पीछे वाला भी और आगे वाला भी आप लोग देख सकते हो। और सीट का भी डिज़ाइन चेंज किया गया है पहले से। और यहाँ टैंक में आपको फुट पैड मिल जाता है दोनों साइड, और रॉयल इनफील्ड का लोगो दोनों साइड मिल जाता है मैरून स्ट्रिप के साथ। इसमें 13 लीटर का फ्यूल टैंक है और 31 किलोमीटर का इसका माइलेज है। और ये कुछ मीटर कंसोल ऐसा दिखता है डिजिटल मीटर के साथ एनालॉग मीटर। डिजिटल मीटर में आपको ट्रिप मीटर बताएगा और फ्यूल का मीटर बताएगा इसमें। और यहाँ पर स्विच देख सकते हो दोस्तों, मीटर का इसमें स्विच दिया गया है, इसी से सेल्फ स्टार्ट और इंजन किल स्विच तीनों एक ही बटन में काम करेगा और सेल्फ स्टार्ट के साथ। और यहाँ पे अपर डिपर और पासिंग का स्विच है, तीनों एक ही में स्विच है, और हॉर्न का स्विच और इंडिकेटर का स्विच लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा। क्रोम फिनिश के साथ इसका हैंडल बार मिलेगा मिरर के साथ। और यहाँ पे फ्रंट में आपको रॉयल इनफील्ड का लोगो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, DRL रनिंग लाइट मिल जाएगा राउंड सर्कल जैसा जैसा कि मीटियर में है। और रियर में भी यहाँ आपको नॉर्मल बल्ब का मिलेगा, लेकिन ये डिज़ाइन प्रीवियस मॉडल से चेंज है इसका टेल लैंप का।
और ये देखिए दोस्तों, मैं साइड से इसका पूरा लुक दिखा रहा हूँ, काफ़ी तगड़ी दिख रही है दोस्तों बाइक ये, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। और इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये भी रांची झारखंड में 2,35,000 में अवेलेबल है, और आप चाहे तो इसे फिनांस भी करा सकते हैं, कम डाउन पेमेंट देके लगभग 50,000 से 60,000 देके इसे आप फिनांस करवा सकते हैं, 1 साल 2 साल और मैक्सिमम 3 साल के लिए। बात की जाए इसकी वेट की, तो इसकी वेट लगभग 195 kg है, 195 kg, और व्हील बेस 1390 mm इसका व्हील बेस है, और सीट हाइट 805 mm इसका सीट हाइट है। और इस गाड़ी की चेसी पहले से चेंज कर दी गई है, अभी ये ट्विन डाउन ट्यूब चेसी इसका इसमें यूज़ हो रहा है, पहले सिंगल डाउन ट्यूब था बट अभी ये ट्विन डाउन, मतलब दो पाइप ये नीचे से लगी हुई है इस इंजन के नीचे, दो पाइप उसको ट्विन डाउन ट्यूब बोलते हैं। और इसकी वारंटी लगभग 3 साल है, जो रॉयल इनफील्ड कंपनी 3 साल क्लेम करती है वारंटी, या फिर 30,000 किलोमीटर। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, थैंक यू सो मच।